नमस्कार, न्यू दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा नेता सुशील मोदी का खुलासा, रेलवे में नौकरी दिलवाने के लिए राबड़ी देवी ने दो लोगों की जमीन अपने नाम लिखवाई। आतंकवादी सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध की राह में फिर अड़ंगा डाल सकता है चीन। लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बड़ा झटका, आयकर विभाग ने जब्त की संपत्ति। त्रिपुरा में नदियां उफान पर, भीषण बाढ़ से 12,000 से ज्यादा लोग बेघर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 30 जून को होगी जीएसटी की शुरुआत। रामनाथ कोविंद का इस्तीफा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। गुजरात के भावनगर जिले के मोटा कोटवाड़ा क्षेत्र में ट्रक और कार की टक्कर में एक महिला सहित 4 लोगों की मौत। इंदौर से सिरोंज जा रही बस ब्यावरा के पास पलटी, 50 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। दार्जिलिंग में तनाव के चलते पर्यटकों ने सिक्किम की ओर रुख किया। तस्लीमा नसरीन का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा। इराक के मोसुल में हुए विस्फोट में घायल फ्रांस के पत्रकार स्टीफन विलेनिवी की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।